सो गाइज फाइनली इंडिया में इन्फिनिक्स GT20 Pro लॉन्च हो चुका है। एक काफ़ी अच्छा डिवाइस है अंडर 20 के। लेकिन गाइज इस डिवाइस में आपको 3 प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है जो इस वीडियो में मैंने बताया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर इसको खरीदने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि हो सकते ये 3 प्रॉब्लम आपके लिए एक बड़ा इशू बन जाए बाद में, तो जानने के बाद ही खरीदना। तो चलिए जान लेते हो 3 प्रॉब्लम क्या देखने को मिल जाती है इन्फिनिक्स GT20 Pro के साथ। सो गाइज उस 3 प्रॉब्लम को जानने से पहले इस फ़ोन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये फ़ोन आता है एक ट्रांसपेरेंट बैक के साथ जो एक फ्यूचरिस्टिक फ़ोन बनाता है, एंड उसी के साथ आपको ओरा लाइट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, एंड पीछे में आपको एक कस्टमाइजेबल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाते हैं जो सी टाइप का बना हुआ है, जो इस फ़ोन को काफ़ी गुड लुक प्रीमियम एंड एक फ्यूचरिस्टिक फ़ोन बनाता है। एंड उसी के साथ आपको 6.78 इंचेस का एक AMOLED पैनल देखने को मिलता है जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो काफ़ी स्मूथ फ़ोन बना देता है। एंड उसी के साथ आपको 1300 निट का स्पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी ब्राइट फुल डिस्प्ले प्रोवाइड किया है इन्फिनिक्स GT20 Pro में। एंड इसमें आपको 108+2+2 मेगापिक्सल्स का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिससे आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिससे 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइज इस डिवाइस में आपको MediaTek का 8200 एक 4nm बेस्ड चिपसेट देखने को मिलता है जो काफ़ी एक पावरफुल चिपसेट है जिसमें आप सभी गेम वगैरह एंड सब कुछ कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। एंड 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिल जाती है जिसको आप 44W का चार्जर से चार्ज कर सकते हो। एंड यह गाइस आपको 22-25K के अंदर आ जाती है जो एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो जाते हैं। लेकिन गाइस इसमें आपको 3 प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो गाइस चलिए आप बात कर लेते हैं वो 3 प्रॉब्लम के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कैमरा रिलेटेड। हाँ भले ही आपको इस डिवाइस में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, बट गाइस आप जब फोटो एंड वीडियोग्राफी करोगी तो इसमें आपको उतना अच्छा डिटेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा जो इस प्राइस रेंज में होना चाहिए। एंड वो भी क्यों, क्योंकि इस डिवाइस को कम्प्लीटली बनाया गया गेमिंग के ऊपर फोकस करके, तो इसमें आपको अच्छा लेवल का चिपसेट देखने को मिलेगा एंड गेम वगैरह अच्छा कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कैमरा उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे थे इस प्राइस रेंज पे एक अच्छा वाला कैमरा डिवाइस लूँ तो इस डिवाइस के साथ एकदम ही मत जाना। एंड सेकेंड प्रॉब्लम है आफ्टर सेल सर्विस। अगर आप एक गाँव या फिर रूरल एरिया में रहते हो तो इसमें आपको एक दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पर आपको इसका सर्विसिंग सेंटर देखने को नहीं मिलता, मतलब फ़ोन में अगर बड़ा सारा दिक्कत आ जाता है तो इसको रिपेयर करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज को अंदर खरीदने के बाद भी। एंड लास्ट एंड थर्ड प्रॉब्लम है वो है सॉफ्टवेयर इशू और लैग इशू। हाँ इसमें भले आपको एक अच्छा वाला चिपसेट देखने को मिलता है, बट गाइज इसमें आपको लैग फील कराएगा क्योंकि इसमें रन होता है XOS UI जो उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जिसके वजह से आप जब फ़ोन को आप चलाओगी तो आपको थोड़ा बहुत लैग फील कराएगा, उतना स्मूथ आपको फील नहीं देता। तो गाइज ये था 3 प्रॉब्लम इन्फिनिक्स GT20 Pro के साथ जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 25K खर्च करने से ये फ़ोन अगर आप प्रॉब्लम को कंसीडर कर सकते हो तो ले सकते हो। ओवरऑल फ़ोन बहुत अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी है, तो जा सकते हो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।